कांग्रेस एवं NSUI के संयुक्त तत्वावधान में नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया, जिससे पुतला दहन कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार एवं संचालन NSUI के जिला अध्यक्ष मनीष सिंह ने किया। विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए युवा अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि जिस प्रकार कल हाजीपुर में युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव दिवंगत राकेश यादव की सुबह सुबह जिम जाते समय अपराधियों द्वारा गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिससे कि पूरे बिहार में सुशासन की सरकार होने के दावे की पोल खोल दी है। इससे यह जाहिर हो गया है कि बिहार सरकार अपराधियों के संरक्षक में है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए NSUI सदस्य डॉक्टर श्रीधर तिवारी ने कहा कि राकेश यादव कांग्रेस पार्टी के प्रखर एवं मजबूत सिपाही थे, जो हाजीपुर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ आए दिन आवाज बुलंद करने का काम करते थे। सरकार को पूर्व में ही उनके सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए थी। तो युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव थे, बिहार युवा कांग्रेस के, उनकी सुबह में कल 7 बजे जिम जाने के दौरान सरेआम अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी। इससे यह साफ पता चलता है कि पुलिस प्रशासन का तंत्र पूरी तरह से फेल है या सरकार की विधि व्यवस्था की पूरी तरह से नाकामी सामने आई है। आपके सामने है, शायद ही कोई जिला ऐसा अछूता है जहां पर हत्याएं का दौर थम नहीं रहा है, लेकिन प्रदेश हमारे जो महासचिव हैं राकेश यादव जी, उनका हत्या यह साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार की साजिश के द्वारा विपक्षियों को चुन चुन कर निशाने बनाने का कार्य किया जा रहा है। और इस पुतला दहन के माध्यम से आज हम सरकार से यह मांग करते हैं कि राकेश यादव के परिजन को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा और उनके परिजन में किसी सदस्य को एक सरकारी नौकरी, और साथ ही हम इस पुतला दहन के माध्यम से उनकी हत्या की CBI जांच की मांग भी कर रहे हैं। पर्चे बता दीजिए। अभिषेक द्विवेदी, बिहार युवा कांग्रेस प्रदेश महा। बताइए, पुतला दहन किए हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हाजीपुर में युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव जी की निर्मम हत्या कर दी गई अपराधियों द्वारा सुबह सुबह। यह दर्शाता है कि नीतीश राज्य में पुलिस प्रशासन एकदम पंगु हो गया है और अपराधी खुलेआम अपने कारनामे कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की राजनीतिक लोगों की हत्याओं पर अविलंब रोक लगवाए और राकेश यादव जी के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा और उनके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी प्रदान करें। भोजपुर में भी अपराध काफी सीमा बढ़ गया है, अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं। अभी वो राजनीतिक हत्या है, हम लोगों को मित्र की हत्या होगी, इसलिए हम लोगों को समझना है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार उस पर तत्काल कुछ कार्रवाई करे और अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करे और उनके परिजनों को सहायता राशि प्रदान करे। पर्चे बता दीजिए। डॉक्टर आशुतोष कुमार जिला अध्यक्ष, भोजपुर जिला।